हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप आईपी को प्रिपेयर करेंगे थ्रू आउट द ईयर, ताकि एक रॉकिंग बोर्ड एग्जाम आप दे सकें इन 2025। जी हाँ, सो दिस इज टू स्टार्ट योर आईपी जर्नी विद अ स्पार्क इन क्लास 12th। आपका पूरा रोड मैप स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, दिस इज अप्रैल, और अप्रैल से लेकर आप अपने बोर्ड एग्जाम तक कैसे प्रिपरेशन करें। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे घंटे आईपी पढ़ना है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आपका, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो आपको कुछ टाइम देना है ऑल्टरनेट डेज पे बीच बीच में, ताकि आप इसके टच में रहें और आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। और आजकल कंप्यूटर साइंस, आईपी और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनका फ्यूचर में बहुत बहुत स्कोप है। सो वी विल बी कवरिंग इट ऑल कि आप इसके बाद भी आगे जाकर क्या क्या कर सकते हो, और जो कंप्लीट रोड मैप है वो तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। सो अगर आपके पास 12th आईपी है, मतलब आप 12th में हो और आपके पास इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट है, या आप 11th में हो, देन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हेल्प फॉर यू, एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड कि हम किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली पूरा साल पढ़ने वाले हैं। सो मैंने आपको मंथ वाइज ब्रेकअप दिया है, अलग वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ये आपके सिलेबस के मेन मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो 70 मार्क्स का आपका थियोरी एग्जाम रहेगा, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, सो टोटल 100 हो गया। 50% कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे एज पर द सीबीएसई न्यू गाइडलाइंस, एंड 50% आपके दूसरे क्वेश्चंस आएंगे। बट जो भी आपकी वेटेज है वो डिफाइंड है, जैसे कि पाइथन, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब है, वो 25 मार्क्स का आएगा। डेटा फ्रेम जो है आपका वो पांडास के अंदर ही आता है। फिर एसक्यूएल एंड डेटाबेस जो है वो भी 25 मार्क्स का आएगा थ्योरी में। सो 25 और 25, 50 ये हो गए। 10 मार्क्स का चैप्टर रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स, और 10 मार्क्स का चैप्टर रहेगा सोसाइटल इम्पैक्ट। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि अभी है हमारे पास अप्रैल, अप्रैल में आपका सीरीज नाम का टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। सो यू शुड फिनिश द सीरीज डेटा फ्रेम, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब मैंने इसमें सीरीज में वैसे कम टाइम चाहिए होता है, बट अब गिवन मोर, क्योंकि अभी अप्रैल का ऑलरेडी एक वीक निकल चुका है, राइट। देन वी हैव पाइथन पांडास में डेटा फ्रेम, ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा मे हम इसको दे रहे होंगे, सो पूरे मे में हम डेटा फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एज वेल एज जून में भी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। मैटप्लॉटलिब बहुत ही छोटा टॉपिक है, 5-6 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से आता है, तो वो हमारा आधे जून में भी हो जाएगा। सो आप ये लगा लो कि 1.5 महीना हम यहाँ डेटा फ्रेम को दे रहे हैं, मे एंड देन हाफ ऑफ जून, एंड देन 15 डेज, मतलब जस्ट हाफ ऑफ अ मंथ इज इनफ फॉर डूइंग मैटप्लॉटलिब। देन आपके पास दोनों थ्योरी चैप्टर्स हम जुलाई में करके एक बार खत्म कर देंगे, सो एक बार थ्योरी जो है वो जुलाई में निपट जाएगी, सोसाइटल इम्पैक्ट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, वी विल डू बोथ द थ्योरी चैप्टर्स इन दिस, तो 20 मार्क्स आपके यहाँ कवर हो जाते हैं। उसके बाद बचेगा डेटाबेस एंड एसक्यूएल। आप 11th में भी डेटाबेस पढ़ चुके हो, ठीक है, आपको 11th वाला आता है नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज यहाँ दोबारा करा रही हूँ। सो डेटाबेस एंड एसक्यूएल जो है वो हम एक महीने पढ़ेंगे, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर द सिलेबस यू हैव। सो हो सकता है कुछ टाइम सितंबर का भी बीच में यूज हो जाए, बट अगस्त में कोशिश करेंगे खत्म करने की। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस समर वोकेशन में ही खत्म हो जाए, तो डेटाबेस एंड एसक्यूएल की वीडियोस चैनल पे हैं, आप इसे अपनी समर वोकेशन में भी देख के खत्म कर सकते हो। सितंबर और मतलब अगस्त तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए आपको रोज पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, हाफ एन आवर वीडियोस देख लो ऑल्टरनेट डेज पे, मोर देन एनफ, ठीक है। या फिर आप मेरा लाइव क्लासेस वाला कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें हफ्ते में एक लाइव क्लास होगी, उसमें आपको एक वो लाइव क्लास जो हफ्ते में हो रही है 1 घंटे की वो अटेंड करनी है, उसके अलावा जो रिवीजन क्वेश्चंस होंगे यूट्यूब पे लाइव वो आपको करना। सो ये दो क्लासेस अगर आप कर लेते हो एवरी वीक, दैट विल बी सफिशियंट फॉर यू, ठीक है। अब सितंबर में हम सिर्फ रिविजन करेंगे, टॉपिक्स मैंने बताया हुआ है किस किस टॉपिक की। नवंबर में आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है और प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो नवंबर में हम अपना प्रोजेक्ट सबमिशन का काम कर लेंगे, और उसके साथ साथ सैम्पल पेपर्स कर लेंगे कुछ, ठीक है। PYQs जितने भी पेपर्स हैं उनकी मार्किंग स्कीम के साथ उनके सॉल्यूशंस एक्सप्लेन्ड आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वो आप तब देख सकते हो। सो आप नवंबर ऑनवर्ड्स अपने पेपर्स देखना शुरू कर सकते हो जो आपके पास सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है, ठीक है। देन दिसंबर में आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं स्कूल में, सो वी विल स्टार्ट हैविंग सम मैराथन्स, वन शॉट्स फॉर योर प्री बोर्ड रिविजन। सो प्री बोर्ड रिविजन का काम जो है दैट विल स्टार्ट इन दिसंबर। उसके बाद जनवरी में आपकी वाइवा प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाएंगे। सो आपके वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या लिखवाया जाता है, क्या क्वेश्चन होते हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डू इन जनवरी। फेब में आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पेपर्स आ जाते हैं, प्रैक्टिकल्स और ज्यादा हो जाते हैं,
तो हम बीच बीच में मॉक टेस्ट एंड गेस्ट पेपर्स करते रहेंगे, बट यू कैन फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. और उससे पहले का जो एग्जाम होता है, यूजली वी हैव गुड अमाउंट ऑफ हॉलीडेज इन द एग्जाम, उसमें बिल्कुल मैराथन स्टाइल पूरा पूरा दिन लाइव रहकर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पी वाई की उसकी प्रैक्टिस करेंगे, डाउट सेशन रखेंगे. सो इतना सा काम है, एक पूरा शेड्यूल अगर आप ऐसे ही फॉलो करते हो और जितना टाइम मैंने आपको बताया उतना टाइम आप देते हो, तो ये सब्जेक्ट आपको बड़े प्यार से 95 प्लस ला के देगा 100 में से. सो यू कैन इजिली गेट 95 प्लस इन दिस सब्जेक्ट, इट विल बूस्ट योर परसेंटेज अलॉट. ठीक है, सो बस इतना आपने आपको प्रॉमिस करना है कि आपको ये फॉलो करना है. तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ कि हु ऑल आर going to follow this roadmap with me. तो अगर आप इस वीडियो को बाई चांस लेट भी देख रहे हो, आप इसे अप्रैल की जगह मई में देख रहे हो, जून में देख रहे हो, सो यू कैन कवर अप अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो डू राइट इन द कमांड कमेंट्स आप जिस भी मंथ में देख रहे हो कि आप किस मंथ से इस रोड मैप को शुरू कर रहे हो, एंड वुड यू बी एबल टू कवर अप. एंड अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कवर अप कैसे करना है, सो देन ऑल्सो आस्क इन कमेंट्स मैम कि मेरा इतना टाइम जा चुका है, हाउ शुड आई कवर अप. सो ऑल द बेस्ट टू फॉलो दिस रोड मैप. यूट्यूब पे पूरे की पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. इसके अलावा ऐप है, AL कोडर्स ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो. पूरे 12th के नोट्स जो हैं वो आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे, डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. जस्ट गो टू फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन, उसमें 12th IP का फोल्डर देखो और वहां से आप अपने सारे नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो. सो यू कैन गेट द नोट्स फ्रॉम देयर. मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं डेटा फ्रेम, पाइथन, सीरीज सबके, सो यू कैन गेट दैट फ्रॉम देयर. ठीक है, उसके अलावा आपका जो कोर्स है आपके ऊपर वो शुरू हो रहा है और उसकी पहली लाइव क्लास है फ्राइडे को. सो फ्राइडे, कमिंग फ्राइडे, अभी आज 8th अप्रैल है, सो कमिंग फ्राइडे वी विल बी हैविंग इट्स फर्स्ट लाइव क्लास. फर्स्ट लाइव क्लास इज फ्री फॉर एवरीवन टू अटेंड. तो आप ऐप पे जाकर कोर्स देख लो और उसकी जो फर्स्ट लाइव क्लास है वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो. एंड यू कैन एक्सपीरियंस, इफ यू फील लाइक यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स. अदरवाइज आपको कंटेंट तो यूट्यूब पे भी पूरा मिल रहा है, बस डिफरेंस ये है कि दैट वुड बी अ लाइव क्लास एंड यहाँ पर आपके क्लासेस रिकॉर्डेड है. ठीक है, उसके अलावा वहां पर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो सब भी मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, सो वंस यू कैन गो टू द ऐप, एक्सप्लोर इट. अगर आपका मूड बनता है वो कोर्स लेने का, तो अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, सो अर्ली 50 आप कोड यूज कर सकते हो टू गेट अ 50% ऑफ. वैसे ही बहुत नॉमिनल प्राइस है. ठीक है, 2000 rupees इज द प्राइस और उस पर 50% ऑफ होके 1000 rupees. 1000 rupees महीना भी कोई नहीं चार्ज करता आजकल, उससे ज्यादा तो मंथली चार्ज करते हैं. एंड चार्जिंग 1000 फॉर द होल कोर्स, पूरा कोर्स, पूरे साल का कोर्स आपको सिर्फ 1000 rupees में मिल रहा है फॉर द मंथ ऑफ, हाफ मंथ ऑफ अप्रैल जब तक अर्ली बर्ड ऑफर है, अदरवाइज ऑल्सो इट विल बी 2000 ओनली. सो इट्स अप टू यू. कंटेंट आपको यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा. वहां पर आपको थोड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड है, नोट्स हैं, टेस्ट हैं, ठीक है, लाइव सेशंस हैं. सो थिंक अकॉर्डिंगली. आई एम देयर टू हेल्प एट बोथ द प्लेसेस. सो वेर एवर यू फील लाइक यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, सो फील फ्री टू राइट टू मी एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टेक